जानता नहीं है उसका दुश्मन हो जाता है। मैं जब तक हिंदू धर्म को जानता नहीं था मुझे धर्म अच्छा नहीं लगता था। अब से 15-20 साल पहले ईरान से 4-5 धर्म गुरु आए। उन्होंने कहा कि हम इस देश में इसलिए आए कि हम यहाँ के अच्छे संत और साधुओं से मिलना चाहते हैं और खुद उनसे मालूम करना चाहते हैं कि हिंदू धर्म क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है। तो मैं उनको लेकर वाराणसी चला गया गुरु जी। वहां एक बहुत प्राचीन मंदिर था, उसमें मैं गया। अब जो मैं गया तो उसकी दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे हुए थे। मैंने उस समय तक गीता पढ़ी नहीं थी, उसका अध्ययन नहीं किया था। गीता जी का जो श्लोक लिखा हुआ था, उस पहले श्लोक को पढ़ने के बाद मैं तो आश्चर्यजनक हो गया। मैंने उस श्लोक का पर्शियन में अनुवाद किया। जो धर्म गुरु बड़े बड़े आए थे उनसे मैंने कहा ये लिखा हुआ है, बताइए क्या है ये। कहले ये तो कुरान की फुला आयत है। तो मैंने कहा कुरान की आयत नहीं, गीता जी का श्लोक है। इसी तरह मैंने 6-7 श्लोक पढ़े और उसका पर्शियन में ट्रांसलेशन किया, और वो भी हैरत पड़ गए कि कहां गीता जी कहां कुरान, वो अरब में उतरा ये यहां। वहां से मुझे दिलचस्पी हुई और फिर मैंने हिंदू धर्म का अध्ययन किया, तो मेरी जो दुश्मनी थी वो मोहब्बत में बदल गई। और आज जो गुरु जी ने जो कुछ आप लोगों को बातें बताई हैं, मजहबी बातें हमेशा डांट डांट कर बताई जाती हैं, हंसा हंसा कर नहीं बताई जाती हैं। मगर ये गुरु जी का कमाल है, मैं भी इनका चेला हो गया कि ये धर्म की इतनी फिलोसफिकल और इतनी गहरी बातों को हंसी हंसी में बता देते हैं। कुरान हमारे यहाँ की सबसे पवित्र किताब है, आप जानते हैं। कुरान ने जो बताया है कि मुसलमान कौन है, ये हमारे यहाँ 29वां पारा जो कुरान का है उसमें ये छोटी सी आयत मौजूद है जिसमें लिखा है कि अफा नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरमीन। बस टोटल इस्लाम ये सुन लो समझ लो। कुरान कह रहा है, जो हमारी सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है वो कह रहा है कि जो क्रिमिनल होगा वो मुस्लिम नहीं हो सकता, जो मुस्लिम होगा वो क्रिमिनल नहीं हो सकता। जिसने घूस ले ली कुरान कहता है वो मुसलमान नहीं है, जिसने किसी को सताया वो मुसलमान नहीं है, जिसने किसी की जायदाद हड़प कर ली वो मुसलमान नहीं है, जिसने किसी निर्दोष की हत्या कर दी, निर्दोष की हत्या कर दी, निर्दोष की हत्या कर दी, चाहे वो हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे बौद्ध कोई हो, अगर निर्दोष है और उसने हत्या कर दी किसी निर्दोष की किसी मुसलमान ने, तो कुरान की ये रूलिंग मौजूद है कि वो सब कुछ हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। भगवान अल्लाह आपको बहुत दिनों तक जीवित रखे कि आप हंसी हंसी में लोगों की समस्याओं का समाधान निकाल देते हैं।